पिछले ईयर से इस ईयर में 30-40% इंक्रीमेंट हुए हैं, और भी चांसेस हैं, बुकिंग तो डेली आ रही है, कुछ बुकिंग हमें स्टॉप भी करने पड़े हैं कंपनियों के, क्योंकि स्टॉक हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। बुकिंग जो हो रही है वो किस डेट के लिए हो रही है मोस्टली? सब टोटली धनतेरस के लिए, मंडे। दिवाली के लिए कुछ? दिवाली के लिए कुछ बहुत कम है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 99% आपका धनतेरस के लिए ही बुकिंग हो रही है। अच्छा, पिछले महीने जिस तरह से तेल के दाम बढ़े थे, कम हुए तो कस्टमर थोड़ा तो और बढ़ेंगे? कहाँ बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है, जब तेल के दाम हमारे कम होंगे, हमारे सरकार जब तेल के दामों कम करेंगी तो कस्टमर को या कंपनियों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और बुकिंग भी हमारी बढ़ेंगी, सेल भी बढ़ेगा, हर जगह बढ़ेगी सर। सरकार को देखकर अच्छा रिस्पांस मिला, जिस तरह कच्चे तेल का दाम बढ़ा था अचानक घट जाने के कारण हमारे यहाँ कस्टमर बहुत आ रहे हैं। 15 दिनों में करीब हम बुकिंग और बिक्री करीब 70-72 गाड़ी कर चुके हैं। हमारा लक्ष्य करीब है, लग रहा है कि 2-3 दिन त्यौहार बचा है, 250 गाड़ियाँ बेच देंगे। धनतेरस को लोग क्या अलग अलग दिनों के लिए बुकिंग कर रहे हैं? हाँ, धनतेरस के लिए सबसे ज़्यादा बुकिंग मेरी है, और जिन दिन गाड़ी बुकिंग आगे देख ही रहेंगे, हम अपना स्टिकर भी लगा दे रहे हैं, बहुत उत्सुकता है। कलर कोई माने नहीं है, केवल ये धनतेरस के लिए गाड़ी लेना है, और होंडा में स्कीम जो आई है कंपनी दे रही है, इससे भी लोग बहुत उत्साहित हैं। दिवाली के त्यौहार में गाड़ियों की बिक्री एक आम बात है, लेकिन जैसे जैसे कच्चे तेलों के दाम में कमी आई है, गाड़ियों की बिक्री में इजाफा हुआ है, और त्यौहारों के देखते हुए जो ओनर्स हैं वो अलग अलग ऑफर्स भी दे रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स गाड़ियों की बिक्री में इजाफा होना स्वाभाविक बात है। प्रशांत बनर्जी, ईटीवी, बलिया।